कपड़ा स्टाइल इन सब पे अपन अच्छे कपड़े पहनो ना तो बर्फ़ होती है। सो गाइस अभी के टाइम में जो ये वाली जो रील है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड अगर गाइस आप लोग अगर इस रील के ऊपर अगर मतलब इस म्यूजिक के ऊपर अगर अपना रील बनाते तो उसके वायरल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो गाइस मैं आपको भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करना, आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना, जो भी स्टॉक वगैरह होगा सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। तो जल्दी से चलिए यहाँ पर हम कैपकट ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर VPN वगैरह सब कुछ ऑन रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसको यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से जो है गाइस जिस वीडियो का हम एडिट करने वाले हैं उस वीडियो को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे गाइस आप लोगों को मैं एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे एडिट करना है। आपको सिंपली यहाँ पे वीडियो जैसे ही आप ऐड कर लोगे तो आपको जो है स्टार्टिंग का पार्ट रखना है, जो मतलब कि फर्स्ट में जो आप मतलब क्लोज में होंगे वहाँ तक का, ठीक है। जैसे कि मैं लास्ट में मेरा ये वाला पार्ट है जिसमें मैं क्लोज में दिख रहा हूँ थोड़ा, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ से वीडियो को जो यहाँ पे स्प्लिट कर दूंगा। एंड स्प्लिट कर लेने के बाद क्या करूँगा, इस वीडियो को ड्रैग करके मैं लास्ट फर्स्ट में ले आऊँगा, ठीक है। एंड फर्स्ट में लाने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मैं स्पीड पर जाऊँगा, स्पीड में जाने के बाद नॉर्मल लूँगा। नॉर्मल में जाने के बाद क्या करूँगा, ऐसे मैं जो इसका अमाउंट कम कर दूँगा ताकि जो मतलब वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वीडियो को जो है यहाँ पे मतलब कि वीडियो को जूम कर लेंगे थोड़ा, मतलब कि जूम नहीं, अभी मैं बताता हूँ पहले आपको करना क्या है। यहाँ पे देखिएगा पहले जो वीडियो को जो है थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाने के बाद यहाँ पे जो स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट कर देने के बाद आपको वीडियो लेना है यहाँ पे, ठीक है। जो आगे वाला उसको यहाँ पे जूम करिएगा इसको जिस टाइप से आगे की तरफ इस तरीके से रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको सेम चीज़ वही करनी है जैसे कि मतलब देखिए यहाँ पे फ्रंट का हो गया, आप यहाँ पे जाना है दूसरी जगह पे। दूसरी जगह पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा वीडियो को आगे की तरफ बढ़ा देना है। एंड यहाँ पे इस वीडियो को स्प्लिट कर देना है, एंड वीडियो को दूसरी वाली वीडियो को लेना है, एंड इसका जूम करना है। एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ पे रख देना है इसके पास यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपने कोई ब्रेसलेट वगैरह पहन रखा हो उसको दिखाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाके फिर करना क्या, आपको वहाँ पे वीडियो को जाकर फिर दोबारा स्प्लिट करना है। एंड यहाँ पे स्प्लिट कर देने के बाद तीसरी वाली वीडियो को लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे करना क्या, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे वीडियो को जूम करना है। जूम करके यहाँ पे आपको अपने शूज़ वगैरह दिखा देने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शूज़ वगैरह हो गया आपके, यहाँ पैंट हो गया, जो भी आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको ये वाली वीडियो लेनी है अपनी, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट करके एंड उसके बाद जो आपको अपना पूरा फेस दिखा देना है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। आपको इस यहाँ तक कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को करना क्या, यहाँ पे जो वीडियो अगर बाकी की बची है उसका स्पीड जो आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा वीडियो बचेगी उसका जो है मतलब अमाउंट जो है ऐसे रख देना, ठीक है, जो नॉर्मल था वो वाला। अब उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे देखिए इतना काम हो चुका हमारा। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम ऑडियो ऐड करेंगे, क्योंकि ऑडियो को तो भी देखना है कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑडियो ऐड करेंगे, तो ऑडियो की दिक्कत मत लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, उसका ऑडियो आप सिंपली यहाँ पे यूज़ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, प्ले करके चेक करेंगे। अभी गाइस देखिए बोरिंग सी लग रही होगी, क्योंकि गाइस अभी जो है हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया अभी, मतलब कि हमने इस पर कुछ भी इफेक्ट वगैरह नहीं लगाया इसलिए। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर इफेक्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। तो इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे हम वीडियो इफेक्ट में, वीडियो इफेक्ट लेंगे यहाँ से। वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक मिलेगा डायमंड ब्लर, हम डायमंड ब्लर को यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे जो सेटिंग वगैरह वो आप अपने हिसाब से रख लेना, आप इंटेंसिटी वगैरह जो भी है, ठीक है। आप सबकी वीडियो में अलग अलग होता है ब्लर, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से रख लेना, बाकी अभी सेम भी कॉपी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ओरिजिनल वगैरह जो हम यहाँ पे कुछ इतना रख लेंगे, बाकी उसके बाद क्या करेंगे, हम बैक चल के वीडियो को प्ले करके देखेंगे म्यूजिक के हिसाब से जो ब्लर हमारा परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्लर हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे का जो कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि मतलब ये हो गए, ये वाले जहाँ पे ये मैच नहीं हो रहे हैं, जैसे कि मतलब देखिए दिखा देता हूँ आप सभी को प्ले करके वीडियो जो ब्लर लगाया हमने। अभी ब्लर जो हमें यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो ब्लर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे ये वाली जो वीडियो है, इस वाली वीडियो को जो है मतलब कि थोड़ा सा लेंथ हमें बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ बढ़ाने के लिए वीडियो की स्पीड में जाएंगे, ठीक है। हल्का सा इसका स्पीड जो है और स्लो कर देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है हम थोड़ा सा इस तरीके से आगे की तरफ कर देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, फिर हम जो है इस वीडियो को जूम कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से, ताकि जो हम ओके गाइस। तो यहाँ तक हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, मतलब यहाँ पे स्पीड हमने कर लिया, ठीक है। अब जो इस ब्लर को जो हम आगे की तरफ रख लेंगे इस तरीके से जहाँ तक हमारी वीडियो है। एंड उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे इतना हो जाने के बाद हम जो वीडियो को एक बार प्ले करके चेक करेंगे कि हमारी वीडियो में जो इफेक्ट है वो एकदम परफेक्ट तरीके से लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं म्यूजिक नहीं सुना सकता, आप सभी को मालूम होगा उसका रीज़न। तो अभी हम देखिए यहाँ तक हमारा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए गाइस आगे की बारी जो है हमारी स्लोमो ऐड करने की, तो स्लोमो ऐड करने के लिए स्पीड पर मतलब स्पीड बाद में ऐड करेंगे, पहले इसमें हम ऐड करेंगे एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन कौन सा ऐड करना वो मैं बता दूँ, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे वीडियो को टैप करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में जाने के बाद आप लोगों को गाइस यहाँ पे करना है कि आपको कॉम्बो में चले जाना, जो आपको थर्ड नंबर पर दिख रहा होगा कॉम्बो, ठीक है, उस पर चले जाना है। कॉम्बो पर जाने के बाद गाइस आप जैसे आगे की तरफ मतलब ड्रैग करोगे तो आपको ये वाला इफेक्ट रखना है गाइस, ठीक है, ये वाला। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो को मतलब वीडियो को डन कर देना है। एंड उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, जब इतना काम हो जाएगा आप लोगों का, तो इतना हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे वीडियो को प्ले करके चेक कर लेना कि आपकी वीडियो जो अच्छे तरीके से एडिट हो गई है कि नहीं हुई है। सो यहाँ तक का हमारा काम जो है अभी हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लोमो ऐड करेंगे, यहाँ पे पहले हम स्लोमो में जाके स्पीड बजाएंगे, फिर यहाँ पे जो ये कस्टम वाला जो ये सब हम इसमें अपने हिसाब से रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शन है इनमें से अगर कोई मैच हो जाए आपकी वीडियो पर आप वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी जो हम यहाँ पे वीडियो को प्ले करके चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे स्लोमो हमारा अच्छे तरीके से एकदम एडिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ऐड हो गया स्लोमो भी। तो यहाँ पे जो गाइज वीडियो थी हमारी वो यहीं तक थी गाइज, तो आज की जो हमारी वीडियो, तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए मिलता हूँ किसी ने वीडियो में, तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।